आर्थिक आरक्षण बिल को राष्ट्रपति की मंजूरी, केंद्र सरकार ने जारी की अधिसूचना, एक हफ्ते के अंदर सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय नियमों को देगा अंतिम रूप। जम्मू कश्मीर के कुलगांव में सुरक्षा बलों ने दो आतंकियों को मार गिराया, भारी मात्रा में हथियार भी बरामद। 25 साल बाद यूपी में एसपी बीएसपी का दोबारा गठबंधन, यूपी में अखिलेश यादव और मायावती ने औपचारिक तौर पर गठबंधन का किया ऐलान। यूपी में 80 में से 38 सीटों पर चुनाव लड़ेंगी एसपी और बीएसपी, अमेठी और रायबरेली की सीट कांग्रेस के लिए छोड़ी गई, दो सीट सहयोगी दलों के लिए होंगी। यूपी में महागठबंधन से अलग रखने पर बोले राहुल गांधी, कहा एसपी बीएसपी का करते हैं सम्मान, अकेले लड़ेंगे और लोगों को देंगे सरप्राइज। दिल्ली में बीजेपी के राष्ट्रीय महाधिवेशन में पीएम मोदी ने किया मिशन 2019 का औपचारिक शंखनाद, विपक्ष पर हमला करते हुए कहा वो मजबूर सरकार चाहते हैं, हम मजबूत सरकार। पीएम ने नीरव मोदी माल्या जैसे भगोड़ों पर वादा किया कि चोर चाहे देश में हो या विदेश में, देश का ये चौकीदार किसी को छोड़ने वाला नहीं। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की बेटी को अगवा करने की धमकी, मामले की जांच में जुटी पुलिस, धमकी के बाद सुरक्षा बढ़ाई गई। आम आदमी पार्टी के पूर्व नेता एचएस फुलका को सम्मानित करेंगे गृह मंत्री राजनाथ सिंह, सिख दंगों के पीड़ितों को न्याय दिलाने के लिए सम्मान। पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी ने की मोदी विरोधी मेगा रैली की तैयारी, एक मंच पर एनडीए विरोधी नेताओं को इकट्ठा करने की कोशिश। केंद्र सरकार के असम समझौते के प्रावधान को लागू करने की कोशिश को लगा झटका, पूर्व केंद्रीय पर्यटन सचिव एमपी बेजबरुआ ने कमेटी में शामिल होने से किया इनकार। राम मंदिर पर वीएचपी के तल्ख तेवर, विश्व हिंदू परिषद के केंद्रीय उपाध्यक्ष चंपत राय ने कहा प्रयागराज में 31 जनवरी और 1 फरवरी की धर्म संसद में अमित शाह सीएम योगी को नहीं बुलाएंगे। मध्य प्रदेश विधानसभा में पक्षपात को लेकर बीजेपी विधायकों के प्रतिनिधिमंडल ने राष्ट्रपति से की मुलाकात, स्पीकर और उपाध्यक्ष के चुनाव पर उठाए सवाल। बुंदेलखंड के बाद एमपी में भी अब भील प्रदेश बनाने की उठी मांग, कांग्रेस विधायक हीरालाल अलावा ने बुलंद की आवाज, ट्विटर पर लिखा भील प्रदेश समय की मांग, अभी नहीं तो कभी नहीं। बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय का एक और विवादित वीडियो आया सामने, खुलेआम बीजेपी का राज चलाने की बात कर रहे हैं, वीडियो राव में आयोजित बीजेपी की बैठक का। दिल्ली में 150 करोड़ रुपए की लागत से बनेगा नया मध्य प्रदेश भवन, सीएम कमलनाथ ने किया भूमि पूजन, बोले सरकार के सामने बड़ी चुनौतियां। छत्तीसगढ़ में बीजेपी ने की लोकसभा चुनाव की तैयारी शुरू, 31 जनवरी को प्रदेश बीजेपी अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ की बैठक, 15-16 फरवरी को किसान मोर्चा की होगी बैठक। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कमलनाथ ने दिखाया बड़ा दिल, खुद के खिलाफ आपत्तिजनक शब्दों का प्रयोग करने वाले शिक्षक को किया माफ। छत्तीसगढ़ में निगम मंडल आयोगों में काम कर रहे संविदा कर्मचारियों के कामकाज का होगा आकलन, काम नहीं मिला बेहतर तो सेवाएं होंगी खत्म। 2019 के लिए झारखंड में भी पांव जमाने की कोशिश में जेडीयू, पटना में नए प्रदेश अध्यक्ष पर पार्टी की बैठक में हुआ मंथन। पटना में आरजेडी ने लगाया नया पोस्टर जिसमें सिर्फ तेजस्वी यादव की तस्वीर, पोस्टर से लालू यादव, राबड़ी देवी और तेज प्रताप यादव गायब। रामविलास पासवान के अंगूठा छाप बयान पर तेजस्वी यादव ने पलटवार किया, कहा वो मेरे बड़े भाई, कुछ भी बोल सकते हैं, बड़ों को कुछ बोलना मेरे संस्कार में नहीं। 2019 फतह के लिए झारखंड में यात्रा की सियासत, एजेएसयू निकाल रही स्वाभिमान यात्रा तो बीजेपी कर रही पद यात्रा, जेएमएम के संघर्ष यात्रा भी जोरों पर। जयपुर मेयर का उपचुनाव 22 जनवरी को, अभी पुरानी प्रणाली से ही होगा चुनाव, बीजेपी के पास है मेयर का पद। राजस्थान ओबीसी आयोग को राजस्थान हाईकोर्ट का नोटिस, पूछा क्यों न गुर्जर समेत 5 जातियों को एमबीएस आरक्षण के संबंध में आयोग की रिपोर्ट को रद्द कर दिया जाए। राजस्थान के अलवर के रामगढ़ से बीएसपी नेता जगत सिंह का एक और वीडियो वायरल, वीडियो में सरकार से जूते के दम पर काम करवाने की कह रहे हैं बात। राजस्थान में बीजेपी विधायक दल की बैठक आज, केंद्रीय पर्यवेक्षक करेंगे नेता प्रतिपक्ष का ऐलान। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री के पलनीसामी ने कोडानाड एस्टेट मामले में लगे सभी आरोपों से किया इनकार, एआईएडीएमके के ज्वाइंट कोऑर्डिनेटर ने कहा पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है।
कर्नाटक के कलबुर्गी में सिटी कॉरपोरेशन ऑफिस में उर्दू में लिखे बोर्ड लगाने पर हंगामा, कन्नड़ कार्यकर्ताओं ने धरना प्रदर्शन किया। पुडुचेरी में पोंगल पर लोगों को गिफ्ट बांटे जाने पर उपराज्यपाल किरण बेदी ने जताया एतराज, सीएम नारायण सामी ने दी गंभीर परिणाम भुगतने की चेतावनी। कर्नाटक के मुख्यमंत्री एचडी कुमार स्वामी का बयान, ऐसे बयान पर पीएम मोदी की प्रतिक्रिया हास्यास्पद है जो मैंने कभी दिया ही नहीं। केरल की राजधानी त्रिवेंद्रम में यूडीएफ नेताओं ने किया एक दिन का सत्याग्रह, राज्य में हो रही बीजेपी लेफ्ट हिंसा का विरोध। तेलंगाना के सिकंदराबाद में बस ने कार को मारी टक्कर, एक शख्स की मौत, तीन घायल। हैदराबाद पुलिस ने महंगे फोन चोरी करने वाले एक शातिर चोर को किया गिरफ्तार, आरोपी से 5 लाख की कीमत के 35 मोबाइल बरामद। हनी ट्रैप के मामले में पकड़े गए जवान सोमवीर को 18 जनवरी तक पुलिस रिमांड, इंटेलिजेंस शाखा कर रही है आरोपी जवान से पूछताछ। यूपी के अमरोहा के आईएसआईएस मॉड्यूल्स के कश्मीर कनेक्शन की जांच तेज, कश्मीर के आतंकी गुटों की मदद से देश में हमले की थी साजिश। बीजेपी नेता अनिल गोयल के ठिकानों पर लगातार दूसरे दिन भी इनकम टैक्स विभाग की टीम ने की छापेमारी, आयकर विभाग ने अनिल गोयल के 13 प्रतिष्ठानों पर छापा मारा। ग्वालियर क्राइम ब्रांच पुलिस ने एटीएस ठगी के एक आरोपी को किया गिरफ्तार, आरोपी बड़े ही शातिर तरीके से लोगों के एटीएम की क्लोनिंग कर लाखों रुपए की ठगी। बिहार के बेगूसराय में पुलिस और अपराधियों में मुठभेड़, कुख्यात सुमंता और धर्मा यादव समेत 3 बदमाशों को पुलिस ने किया ढेर। गुजरात के कारोबारी से करोड़ों की ठगी के मामले में 2 शातिर नवादा से गिरफ्तार, 54,47,000 रुपए भी बरामद, पेट्रोल पंप लाइसेंस दिलाने के नाम पर की थी ठगी। बिहार के गया हॉरर किलिंग मामले में पुलिस के दावे पर उठे सवाल, मृत युवती के बहन ने पुलिस पर लगाया झूठ बोलने और डराने धमकाने का आरोप। दिल्ली के अलीपुर में पता पूछने के बहाने दुकान मालिक के बेटे को बदमाशों ने मारी गोली, वारदात के बाद से बदमाश फरार। पाकिस्तान से 101 साल की जमुना माई को भारत की नागरिकता मिली, जमुना माई का परिवार जोधपुर आया। राजस्थान के बांसवाड़ा में चिकन पॉक्स से 7 दिन में 200 से ज्यादा बच्चे बीमार, जांच के लिए गई टीम एक्सपायरी दवाई लेकर पहुंची, जांच के आदेश। एमपी के अशोकनगर के गढ़ पैरा गांव में बच्चों के टीकाकरण के बाद एक बच्चे की मौत, स्वास्थ्य विभाग में मचा हड़कंप, जांच के आदेश। कुंभ के रंग में रंगा प्रयागराज, दीवारों इमारतों और फ्लाईओवर पर की शानदार पेंटिंग, 1,000 से ज्यादा कलाकार पेंटिंग में जुटे। प्रयागराज में कुंभ को लेकर वर्चुअल रियलिटी कियोस्क बनाए गए, कुंभ मेला और आरती के वीडियो 3D में देख सकेंगे। सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह के 352वें प्रकाश उत्सव को लेकर पटना साहिब में देश विदेश से जुटे हजारों श्रद्धालु, सुरक्षा के लिए 3,000 पुलिस वाले तैनात। गुरु गोविंद सिंह के सम्मान में स्मारक सिक्का जारी करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गुरु गोविंद सिंह की आज 352वीं जयंती है। मुंबई में सिख समुदाय ने मनाया लोहड़ी का त्योहार, एक्टर विंदु दारा सिंह और मुकेश ऋषि समेत कई सितारे रहे मौजूद, पंजाबी गानों पर देर रात तक चला डांस। जम्मू कश्मीर में बीएसएफ के जवानों ने मनाई लोहड़ी, गानों के धुन पर जमकर थिरके सेना के जवान। हिमाचल प्रदेश के मनाली समेत कई इलाकों में जबरदस्त बर्फबारी, मनाली कुफरी में तापमान 0 से नीचे। जम्मू कश्मीर के राजौरी में बर्फबारी की वजह से रास्ते बंद, मशीनों के जरिए रास्ते से बर्फ हटाने में जुटा प्रशासन। बीकानेर में इंटरनेशनल कैमल फेस्टिवल का आगाज, देशी विदेशी पर्यटकों ने उठाया लुत्फ। चेक गणराज्य की पेट्रा क्विटोवा ने सिडनी इंटरनेशनल टेनिस टूर्नामेंट का खिताब जीता, फाइनल मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया की एशल बार्टी को दी मात। ऑस्ट्रेलियन ओपन के मुख्य ड्रॉ में पहुंचे प्रजनेश गुणेश्वरन, 5 साल में ऐसा करने वाले 3रे भारतीय बने।